पनो आखिल में सगा शाह की साल 2024-2021 के नए अहदेदारान की हलफ बरादरी की तकरीर। तकरीर की सदारत इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड रशीद जमाल महर ने की। तकरीर की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई, जिसके बाद चेयरमैन रशीद जमाल महर ने नए अहदेदारान से हलफ लिया, जिसमें सदर अनवर अली सयाल, नायब सदर अब्दुल समीम ईरानी, जनरल सेक्रेटरी इमाम अली अब्बासी, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रजाक मीरानी, फाइनेंस सेक्रेटरी जावेद हमीद कुरैशी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुजीबुल्ला शेख से हलफ लिया गया, जिसके बाद फूलों के हार पहनाए गए और जावेद हमीद कुरैशी को हेडमास्टर के प्रमोशन होने पर फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद दी गई। अब्दुल रजाक मीरानी एडवोकेट को लॉ कॉलेज के लेक्चरार होने पर मुबारकबाद दी गई और फूलों के हार पहनाए गए, जिसके बाद अहदेदारान की तरफ से अपने ख्यालात और पिछली कारकर्दगी का इजहार किया गया और आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर काम करने का अज़म किया। और आखिर में डॉक्टर अब्दुल समीम ईरानी की जानिब से अलशम्स मेडिकल सेंटर और चैरिटेबल क्लिनिक पनवाकिल के लिए 1,50,000 रुपये चंदा का ऐलान किया गया और BMC के अहदेदारान से भी हलफ लिया गया। अब्दुल हमीद बल्लू, उबैदुल्ला शेख, मुश्ताक अहमद कलहोड़ो, कमरुद्दीन महसर, इमदाद करीम शेख, अब्दुल सत्तार शेख, मुनीर अहमद कलहोड़ो, अब्दुल रशीद और डॉक्टर श्रीचंद ने से हलफ लिया गया।